लक्षण है थोड़े, क्या लक्षण है ये? ऑन कैमरा है, ऑन कैमरा किस किया ये कितनी डांस करके। ओह गॉड क्या है ये, फाड़ोगी तुम? कान के पर्दे फटने ला दे। देखी अच्छा लग रहा है ना? हाँ चलो, हमने कुछ नहीं देखा। बेबी आज मेरी आईब्रो डार्क नहीं लग रही ज्यादा? आपको मेरी प्रेगनेंसी की कितनी खुशी है? कितनी खुशी है बताओ। कच्चा बादाम अरे भाई कच्चा नहीं है तो पक्का हुआ बादाम है। हाँ हाँ और तू खड़ा करिए डॉक्टर ले ला। हमने कुछ नहीं देखा। दिस इज माई चॉकलेट। क्यों खाया, क्यों खाया? बेबी खूबसूरत शक्ल तो दिखाओ यार। बेबी दिखा दो सही खूबसूरत शक्ल। बेबी गाइस ये इंसान दिन में 3-4 चॉकलेट खा लेता है अभी भी। और गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन यूट्यूबर अंजू कोरनस। तो रात को थोड़ी बहुत मस्ती देखी आपने, मेरी और मेरे हस्बैंड क्या मजाक करते रहते हैं। तो अभी जो है मेरे घर में आ रही है मेरी सिस्टर और मेरी मम्मा। तो अभी तक मैंने आप लोगों को इससे नहीं मिलवाया है और मैं बना रही हूँ खाना उनके लिए। वो क्यों आ रहे हैं? एक तो मुझसे मिलने आ रही है मेरी सिस्टर, क्योंकि जब से वो गई है तब से मेरे घर नहीं आई है। और उसके बाद वो जो न्यूज़ थी वो वाली, तो उसमें उनका क्या वो रहा है वो भी देखते हो। मेरे को डांट पड़ेगी क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तक उनको घर पे आने दो फिर ही सब कुछ देखते हैं। तो अभी मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ शाही पनीर जो मुझे बनाना है और फटाफट मैं बनाती हूँ। हाँ हाँ पानी ठीक है मम्मा दे रही है। ओके ठीक है फिर मिलती हूँ आपको। मैं सब कुछ बनाने के बाद मैं इसको पानी दे दूँ ना ये पूरा घर सर पे उठा लेगा। ये देखो डुगू क्या चाहिए आपको? ले इसको पानी दे दो। गंदू बच्ची, गंदू बच्ची। चलो मैं मसाला पीसती हूँ पहले। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी सिस्टर आ रही है घर पे, तो इसलिए मैं उनके खाने के लिए तैयारी कर रही थी। तो मैं बना रही हूँ शाही पनीर, साथ में मैं बनाऊंगी बूंदी, क्योंकि हमारे घर में नॉन वेज वगैरह हम नहीं बना रहे ना खा रहे, तो इसलिए अभी वेजिटेरियन ही चल रहा है सब कुछ। और रीज़न आपको पता है, मैंने बताया था किसी वजह से घर पे आ रहे हैं, वही बेबी वाला चीज़ था जो उसको लेके। साथ में मेरी सिस्टर आई भी नहीं जिस दिन से जर्मनी से, मतलब जिस दिन से वो जर्मनी गई है फर्स्ट टाइम आई है, तो इसलिए हमने उसको घर पे बुलाया था। और साथ में कुछ बातें भी करनी थी मम्मा के साथ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और यहाँ पर मेरा शाही पनीर बन गया था, क्योंकि जल्दी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहती और पता नहीं क्यों काम करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और जो मेरी हाउस हेल्पर है वो भी नहीं आई आज, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है काम करने में घर के। पर मैं फिर भी कर रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको पता ही तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी बहुत, और साथ में जल्दी जल्दी करना था। और घर में वैसी उलझन सी पड़ी है, हस्बैंड थोड़े से खुश भी नहीं है अभी। फर्स्ट आपने वीडियो में पहले देखा ये इसमें कि वो थोड़ा सा खुश हो रहे हैं, बट ऑन कैमरा होता ना दिखाना पड़ता है, बट ऐसी बात नहीं कि नहीं खुश है हस्बैंड, ठीक है। अभी हमें मेडिकली मेरे को जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, अभी चीज़ें करवानी भी पड़ेंगी। और बहुत से लोगों के सवाल है, बहुत से लोगों के क्वेश्चन है, उसका भी मैं ज़रूर आंसर दूंगी, क्योंकि अभी मैं खुद ही मेरे को अभी कंफर्म करनी है इस चीज़ को लेके। बट जहाँ मैं कंफर्म हूँ, देखो मैं एक लेडी हूँ ठीक है, तो मुझे अपनी बॉडी का पता है, मुझे अपनी चीज़ों का पता है, तो मुझे अपनी बॉडी का पता है कि मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है नहीं हो रही, वो सब मैं फील कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं श्योर हूँ इन चीज़ों को लेके। जिन लोगों का बोलना है कि ये चीज़ें ये है कैसे हो गया, तो इसलिए मैं अपनी बॉडी को लेके श्योर हूँ। हाँ मैंने बना के भी रख ली। हेलो देखो पहुंच गए मम्मा और मंजू घर पे। हेलो लेट हो गए पर बहुत। देखो बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आई है। देखो बोल थैंक यू, बोल मासी को थैंक यू बोल। ओह क्या है ये? ये क्या है? ये स्पाइडरमैन है बेटे। चल मैं खोलती हूँ, रुक जा आजा। हाँ अनबॉक्सिंग कर रहा है ये। फाड़ दे फाड़ दे फाड़ दे, तू भी फाड़ दे। लुक छुप रहा एक्साइटमेंट उसको कितनी हो रही है। देख लिया इसने। देखो क्या स्पाइडरमैन कितना खुश हो रहा है। जो खोल दे खलवाले, खोल खोल तू भी खोल। स्पाइडरमैन जा हुन अंदर जा। खुशी तेरी डॉल कितनी बड़ी है। खुशी कितनी डॉल है। हाँ कह रहा बैटरी है इसमें। हाँ बैटरी डालनी पड़ेगी। हाँ खुशी तेरा डॉल देख, खुशी जितनी देख। थैंक यू बोल मासी को। वेलकम। चल बैटरी में डलवाती हूँ। तो यहाँ पे मम्मा आ गए थे और मंजू आ गई थी, तो मैंने लंच बनाया था तो हम लोग बैठ के लंच करने लग गए थे। काफ़ी टाइम हो गया था, 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो गया था। साथ के साथ मेरी मम्मा वही डिस्कस कर रहे थे कि होता नहीं कि हम लोग बातें कर रहे थे। पहले मंजू के साथ बातें करने लगी मैं नॉर्मली, फिर मेरी खुद की बातें चलने लग गई। तो मैं उन मम्मा को समझा रही थी कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो पूछते ही है, बताना ज़रूरी होता है। तो वही बातें चल रही थी हमारी। अभी मैंने उस बारे में कोई बातें नहीं की है, पूरी डिस्कस नहीं की। मैं आगे डिस्कस करूँगी, इसके पापा आएँगे फिर बात होगी। क्योंकि उन्होंने ही बुलाया है, ऑब्वियस बात है, उन्होंने ही बोला है कि मम्मी से बात करते हैं, फिर चीज़ें देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। क्योंकि आजकल के ज़माने में 2 बेबी बहुत होते हैं, आपको पता ही 2 बच्चे बहुत होते हैं। मैं खुद भी नहीं चाहती थी, बट जो हो गया हो गया। बट अभी के लिए 2 बेबी बहुत है यार। उनकी एजुकेशन, उनको अच्छी लाइफ देना, उसके लिए 1 बेटा और 1 बेटी परफेक्ट है। तो डिसीज़न यही है कि मना ही हो रहा है घर पे। अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। पूरी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। मिलती हूँ कल एक और व्लॉग के साथ। ये देखो हम खा रहे हैं रसमलाई। ये 2 खाली हो गए क्योंकि मैंने अपनी अपनी अलग अलग दिखा रहे हैं। खा रहे हैं मतलब खाने जा रहे हैं, दिखा रहे हैं खा रहे हैं कि वो कुछ कर रही है वहाँ पे, वो खुशी खा रही है। मम्मा ने भी शुरू कर दिया। मम्मा कैसा है? टेस्टी है। ये मंजू का है, बहुत अच्छा होगा। सच में टेस्टी है ना? कहीं वो स्पंची रसगुल्ले की तरह तो नहीं है? स्पंची रसगुल्ला पानी वाला, खट्टा 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 गुलाब जामुन। ये देखो क्या था उसका नाम होटल का? तुम किसी को याद है? मुझे अजीब सा ही नाम था उसका, इतना कोई मुश्किल नहीं था। होटल कुछ था ना, लड़के का ही नाम था कुछ, है ना? आसपास कोई और भी देख ले, इतने सारे तो वहाँ